ये वीडियो जो है ये वीडियो स्पेशली गौरव जोन के लिए है। उसका एक वीडियो देखा मैंने जिसमें उसने बहुत शर्मनाक हरकत करी है और उसके बाद दुनिया को एहसान जताता है कि मैंने डॉग्स को रेस्क्यू करवाया है। अब वीडियो क्या थी, वीडियो सुनो। गौरव जोन एक इन्फ्लुएंसर है, उसकी वीडियो एक न्यूज़ चैनल पे वायरल हो रही थी तो मैंने उस न्यूज़ चैनल पे उसके यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया और देखा क्या वो बंदा अपनी गाड़ी पे बैठा हुआ है, डॉग की उसने बैक पे मतलब कमर पे उसने बहुत सारे बैलून्स टांगे और उसको हवा में उड़ा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और डॉग इवन 2 मंजिला ऊपर गया है। उस वीडियो में आप देखना, मैं आपको इसके बाद वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, उसकी कुछ 2-3 क्लिप्स मैंने उसके चैनल पे थोड़ा सा स्टडी किया तो देखा, पहली चीज उस बंदे की जो वीडियोज है वो सारे के सारे 18 साल 15 साल 10 साल के बच्चे ज्यादा देखते हैं। 70% जो उसकी ऑडियंस है वो बच्चे, और वो बच्चों को इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है वो भी आप इस पूरी वीडियो में बने रहना लास्ट तक और इस पूरी वीडियो में देखना। और ये हरकत बहुत ही गलत हरकत है और एक एनजीओ ने उस पर केस किया है और उस एनजीओ को मैं सल्यूट करूंगा। भाई मेरे पास 2 डॉग्स हैं, मेरे पास दो डॉग्स हैं और मैं उनको, ये जो तू मुझे जो वीडियो में तू सुना रहा है, दूसरी जो वीडियो डाली है कि मैं अपनी गौरव डॉलर मेरी जान है और फलाना है फलाना ढिगाना है ढिगाना है, यार तू चंद पैसों के लिए चंद व्यूज के लिए तू किसी जानवर के साथ इतना बड़ा मतलब मजाक चल रहा है क्या यार, मजाक चल रहा है क्या भाई। उसके पास पोमेरियन ब्रीड है, पहली चीज मुझे नहीं पता यार पोमेरियन है कौन है, मैं इतना मुझे ध्यान नहीं है। जो भी डॉग है यार उसका दिल, डॉग्स का दिल बहुत नाजुक होता है। ठीक है, उसको अगर हार्ट अटैक आ जाता, कुछ हो जाता तो क्या होता, ये तो कॉन्टेंट डाल देता माई डॉग इज डेथ या माई डॉलर इज नो मोर, फिर तो नया कंटेंट हो जाता ना। चलो इस वीडियो को ना करते टाइम वेस्ट, आप वीडियो को एंड तक देखना और इसकी 2-3 वीडियोस और हैं जो मैंने इसमें एडिट करी हैं और इस वीडियो पे आप अब देखना उसने किस तरीके से उस डॉग के साथ मिसबिहेव किया है। और सुन भाई, अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है ना तो पहचान ले मुझे, मैं कौन हूँ, तू मुझे मिला था कहाँ पे, याद है तुझे की इंडिया में मिला था मैं तुझसे, अपनी वीडियो खोल के देख ले पिछली, तेरा सब्सक्राइबर था ऑनेस्ट वाला, बट जो तू हरकतें करता है ना इस हरकतों से बच्चे भी बहुत ज़्यादा गलत इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर बहुत ज़्यादा गलत है, समझ गया मेरी बात। अब तू वीडियो देखो, आप प्लीज़ वीडियो देखना। वीडियो देखी, आपको क्या लगता है इस बंदे जो भी मैंने आपको अभी बोला अब तक, क्या मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मुझे इस वीडियो पर कोई व्यूज़ नहीं चाहिए भाई, मुझे आ रहा बहुत गुस्सा बिकॉज उस हरकत जो है ना उसकी, उसकी 2-3 वीडियोस और मैं आपको बताता हूँ, मैंने उसकी एक वीडियो और दिखाता हूँ आपको। इस बंदे ने क्या किया, अपने डैड को पीछे बिठाया अपनी भूसा पे और अपनी भूसा पे इसने बिठा के अपने डैड को 70-80-100 की स्पीड पे ये भूसा चला रहा है और अपने डैड का रिएक्शन देख रहा है विदाउट हेलमेट ये बंदा अपने डैड को, अपने माँ बाप से तो प्यार करता है तू बातें कर रहा है ऐसी, तू हेलमेट तो लगवा ले। और पापा का रिएक्शन देखने के लिए यार, वो स्पोर्ट्स बाइक है हल्का सा थ्रॉटल देते ना वो 100 भागती है, हल्का सा ऊंच नीच हो जाए और बंदा पीछे गिर जाए तो क्या होगा ये बता। देखो डैडी की कैसी आ रही है, काश मैं भी इस टाइम शक्ल देख पाता। ठीक है, ये चीज। दूसरी चीज, एक वीडियो इसने और डाली है, अभी आप वो वीडियो देखना जिसमें ये ओपन BMW थी, आई डोंट नो कौन सी, ये कोई लग्जरी कार में घूम रहा है। ठीक है, और उसके अंदर इसने मास्क हटा रखा है। ठीक है, और ये बंदा ये मास्क पब्लिक प्लेस पे ओपन कार है, ठीक है, उस पे कार पे खड़ा हो रहा है और वीडियो शूट कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है चलती हुई रोड पे। बोले भाई बड़े बाय चांस कुछ ऊंच नीच हो रहा है तेरे चक्कर में पीछे वालों को चोट लगी है, उसका हिसाब कौन देगा मुझे तू ये बता ना। गाइज ये 2-3 वीडियो इसकी ऐसी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये भाई, इसको छोटे बच्चे देखते हैं, इन्फ्लुएंसर है ये, 4 मिलियन सब्सक्राइबर के आसपास हैं इसके, 40 लाख से ऊपर लोग उसे देखते हैं। उसके बाद ये अपनी भूसा को एक नॉर्मल रोड पे, या आप ये कह सकते हो डेली रोड्स पे ये 100 भगा रहा है। भाई तुझे देख के ना हमारे जो घर के छोटे छोटे डंडे बच्चे हैं ना, वो भी अपनी स्कूटर बाइक, या मैं कह रहा हूँ बच्चे छोड़ो कोई भी बंदा, तू इन्फ्लुएंस कर रहा है ना ढंग से कर, समझ गया मेरी बात, तू गलत मैसेजेस मत दे लोगों को।
और तेरे ये मैसेजेस ना हमारे पे फर्क नहीं पड़ता, हमारे जो पीछे छोटे बच्चे जो देखते हैं ना 18, 19, 20 साल, 21 साल के, उन पे असर पड़ता है। वो भगाते हैं 100-100 की स्पीड पर भाई, उधर लोगों को मार के आते हैं और खुद की चोट लगवा के आते हैं। अपने आप को देख, तू समझ गया मेरी बात। मैं बस आपको इतना कहना चाहूँगा, आप इस पूरी वीडियो को देखो और आप इस वीडियो के एंड में बताना क्या ये मैंने जो वीडियो में बोला वो सही है या गलत है। मैं, मुझे कोई वो नहीं है, तेरा प्रोफेशन है ठीक है भाई। मैं खुद एक बिजनेस करता हूँ और मेरे पास अपनी खुद का अच्छा खासा अर्निंग सोर्स है। तू यूट्यूब में ही डिपेंडेंट है भाई। मैं भी, हर बंदे के घर में रोजगार होता है, वो तेरा रोजगार यूट्यूब है, बट कम से कम लोग अच्छी सलाह तो दे दूँ। तो क्या दे रहा है लोगों को यार, 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाओ, 100 की स्पीड पे बाइक भगाओ, रोड पे उठ के कार के अंदर सेल्फी लो, ये दे रहा है तू लोगों को इन्फ्लुएंस पे? तू ये इंस्पिरेशन दे रहा है लोगों को? या कुत्तों को हवा में उड़ाओ? ये चीज़ें बहुत गलत हरकत है। प्लीज़ आप इसके चैनल पर जाओ और प्लीज़ इसको देखो, इसकी वीडियोस देखो, इसकी 3-4 वीडियो छाट कर देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो बहुत गलत है। और लॉकडाउन में तू बाहर निकल रहा है, तेरे पास कौन सा कर्फ्यू पास है मुझे ये बता चल, कौन सा कर्फ्यू पास है? गाइस के पास कोई कर्फ्यू पास नहीं है, ना ये डॉक्टर है, ना ये लॉयर, ना एडवोकेट है, और ना ही के एसेंशियल सर्विस वाला बंदा है। ये बाहर निकल रहा है, यूट्यूबर्स लाखों हैं, यूट्यूबर हम भी हैं और हम भी निकल सकते हैं बाहर, बट गलत जो भी है गलत है गलत है। इस वीडियो को प्लीज़ गौरव सुन तक पहुँचाओ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और भाई प्लीज़ 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 इस वीडियो के ना, इस वीडियो के बाद जो वीडियो आई वो ज़रूर देखना और अपने प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैंने जो कहा वो सही है गलत था। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे कॉन्टेंट के साथ।